नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुमने तो अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन मैं अच्छी तरह देख रहा था। तुम वहां मेरी जगह अपने कमीने आशिक उस दो टके के फोटोग्राफर को देखना चाहती थी। नीच बदजात, क्या नाम है उसका जिसे तुम फंसी हुई थी? मैं फंसी हुई नहीं थी, मैंने मोहब्बत की थी। फलकनुमा पैलेस के इस कमरे में अपनी सुहागरात के फूलों के सामने अपने शोहर से यह कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई कि तुम किसी से इश्क किया करती थी? इश्क कोई शर्म की बात नहीं है, एक नेमत है जो सबकी तकदीर में नहीं होती। और उसने तुम्हारे इस मखमली बदन को हजारों बार छुआ भी होगा। गुलाब की पंखड़ियों जैसे इन लबों को चूमा भी होगा। मैं झूठे बर्तनों में खाना खाने का आदि नहीं हूं, और तुम्हारी सूरत से मुझे यूं भी नफरत है। पुराने सोफे, अलमारियों, आईनों, बर्तनों और कालीनों की तरह तुम भी इस महल में पड़ी रहो, ताकि जब कोई मेहमान आए इन चीजों के साथ साथ हम तुम्हें भी दिखा सकें कि ये कालीन हमें राजा मानसिंह ने दिया था, ये मुजस्मा इटली से आया था, और ये टी सेट बाबा मरूम ने एक पब्लिक ऑक्शन में पेरिस में खरीदा था, और ये दुल्हन हम अलीपुर से ले आए हैं। तुम मेरी बीवी नहीं हो, सिर्फ सजावट की एक चीज हो। पड़ी रहो। मैं अंदर आ सकता हूं? जी। बैठिए बैठिए। मैं सुहागरात की बदतमीजी पर बहुत शर्मिंदा हूं। बात यह है कि लाख कोशिश करने के बाद भी मैं इमरान को भुला नहीं पाता, बस खून खौल जाता है। मगर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तो जरा इन कागजात पर दस्तखत कीजिए। क्या लिखा है इसमें? आप मुझे अपना मुख्तार आम बना रही हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। ओह, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। मगर मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर हूं, मजाजी खुदा। क्या निकाहनामे में यह भी लिखा हुआ है कि आपकी बीवी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको अपना मुख्तार भी बनाऊं? इसमें यही लिखा होगा ना कि जितना हक मुझे अपनी दौलत पर है आपको भी उतना ही है? हाँ। और आप इसे जब चाहे बेच सकते हैं या जिसे चाहे इसे दे सकते हैं? मैं आपको इसका इख्तियार नहीं दे सकती। दस्तखत करो। मैं साइन नहीं करूंगी। दस्तखत करो। नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? सज्जाद, ये क्या बदतमीजी है? जाहिल शौहर की तरफ बीवी पर हाथ उठाने शर्म नहीं आई? देखा नहीं, ऐठी हुई। दस्तखत करने से इनकार किए जा रहे। हाँ, तो ये दुल्हन बेगम की मर्जी, तुम कौन होते हो जबरदस्ती दस्तखत करवाने वाले? मार मार के वो सुझा दिया गरीब का, निकलो यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल जाओ। मैं अपने बुजुर्गों की तरफ से भी माफी मांगती हूँ दुल्हन। असल में आजकल सज्जाद बहुत परेशान रहते हैं, मैं उन्हें समझा दूंगी, अब वो ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करेंगे। चल आराम कर ले। चल, चल, चल। हया बीबी, बड़ी
बड़ी सरकार को खबर कर देनी चाहिए। नहीं गौरी, ता सरकार जब ये सुनेंगे तो खुदा ना खास्ता जीते जी मर जाएंगे। ता सरकार मुझसे बहुत प्यार करते हैं गौरी, तुझे मेरी कसम है, उन्हें कभी नहीं कहना कि मैं खुश नहीं हूं, उन्हें तो बस यही पता चलना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।